नमस्कार दोस्तों, अगर आप दिल के मरीज हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आईपीएल देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह के मुकाबले हो रहे हैं आईपीएल में दोस्तों, आपके दिल की धड़कनें रोक सकता है। और आज एक और बेहद ही रोमांचक और सांस रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला हमें, दूसरे लेग का तीसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच, जहां दोस्तों आखिरी गेंद पे मैच चले जाता है लेकिन सभी धड़कनें रुकी हुई रहती हैं, क्योंकि आखिरी गेंद पे पंजाब को जीत के लिए 3 रन की जरूरत होती है। और आखिरकार अंत बॉल पे ऐसा कुछ होता है दोस्तों जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। आपको बता दूं कि पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। राजस्थान की तरफ से एवेन लुइस 36 रन, जयसवाल 49 रन और महिपाल लोमरोर के शानदार और ताबड़तोड़ 43 रन की बदौलत पूरी टीम बना पाती है दोस्तों 185 रन, और पंजाब के सामने 186 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख देती है। पंजाब की टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरती है दोस्तों, उसकी शुरुआत किसी बेहतरीन सपने से कम नहीं होती। पहले विकेट के लिए केएल राहुल और मयंक अग्रवाल 120 रन की साझेदारी करते हैं। पहले विकेट के रूप में केएल राहुल, जो कि 1 रन से अपना अर्धशतक चूक जाते हैं, 33 बॉल में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 49 रन बनाते हैं। वहीं दूसरे छोर से मयंक अग्रवाल लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, 43 गेंदों में आउट होने से पहले 2 छक्के और 7 चौके की मदद से 67 रन बनाते हैं। और इन्हीं के बल्लेबाजी का नतीजा रहता है कि मुकाबला चले जाता है लास्ट ओवर में, जहां केवल 4 रन की जरूरत होती है पंजाब को। लेकिन दोस्तों राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं युवा गेंदबाज कार्तिक त्यागी, और उनके सामने थे निकलस पूरन और एडम माक्रम जैसे बल्लेबाज। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में वो 4 रन नहीं बना पाते हैं, केवल 1 रन ही बना पाते हैं और 2 विकेट लेने में कामयाब रहते हैं कार्तिक त्यागी। और अंतिम ओवर में हीरो बन के निकलते हैं दोस्तों कार्तिक त्यागी, और हारा हुआ मैच जिता के ले जाते हैं राजस्थान के लिए। और मुकाबला अंतिम गेंद पे गया दोस्तों, और आखिरकार राजस्थान मुकाबले को 2 रन से जीतने में कामयाब रही।